दोस्तों गूगल और अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी दो कंपनी, वो करती है दावा ये कि हमारा डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा सर्वरलेस। अब असल में दोस्तों बात निकल के आती है ये आपके सामने कि क्या सच में कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है पूरा का पूरा सर्वरलेस? क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि किसी भी डेवलपमेंट टीम के ऊपर ये प्रेशर हो ही ना कि वो करे सर्वर को मेंटेन? जानेंगे इसके पीछे की पूरी सच्चाई कि आखिर सर्वरलेस क्या सच में होता है सर्वरलेस, या फिर दिखाती हैं ऐसी कंपनियां अपने सिर्फ यूजर्स को। तो नहीं किया अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी की वीडियोस लेके हम आते रहते हैं। दोस्तों पहले के टाइम में जो भी हुआ करता था हमारा डेवलपिंग टीम जो करता था डेवलप मेरे वेबसाइट्स को या फिर हमारे एप्लीकेशंस को। दोस्तों किसी भी डेवलपिंग टीम का काम होता है किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को डेवलप करना, ना कि दोस्तों उसके सर्वर को मेंटेन करना। लेकिन पहले के टाइम में दोस्तों डेवलपर्स को ही करना पड़ता था अपने सर्वर को मेंटेन कि आखिर उसकी स्केलिंग अच्छी चल रही है या नहीं, आखिर वो डी स्केलिंग के अंदर है या नहीं। दोस्तों इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए AWS यानी Amazon और Google ने ये निकाला सॉल्यूशन कि क्यों ना हम बैठा दें एक तीसरी किसी पार्टी को जो काम करे एज अ सर्वरलेस डिपार्टमेंट। अब बात आती है सर में निकल के ये दोस्तों कि क्या सर्वरलेस होता है सच में सर्वरलेस। दोस्तों आपको एक कमाल की बात बता दूं आज कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन बिना किसी क्लाउड का या बिना किसी सर्वर का रन नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों सवाल निकल के आता है ये फिर हम उसे सर्वरलेस कहते क्यों है? सर्वरलेस दोस्तों इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि डेवलपिंग टीम करती है अपनी एप्लीकेशन और अपने वेबसाइट की डेवलपमेंट, और ऐसे जो होती है तीसरी कोई पार्टी वो करती है उसी वेबसाइट और एप्लीकेशन के सर्वर को मेंटेन। दोस्तों आपके मन में आता होगा सवाल ऐसे में आखिर क्या फायदा होता है कि हम किसी अलग किसी तीसरी पार्टी को बैठा दें अपना ही सर्वर मेंटेन करने के लिए? दोस्तों बात बदल के इसमें यह आती है, आपको देता हूं छोटा सा एग्जाम्पल और आपको करता हूं कोशिश समझाने की आखिर इससे फायदा होता है क्या। बात करें दोस्तों अगर नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स में बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम और आप और सारे लोग ऑलमोस्ट दिन में होते हैं बहुत ज्यादा बिजी, किसी का ऑफिस होता है तो किसी का स्कूल होता है, हम जैसे बच्चों का कॉलेज होता है। दोस्तों ऐसे निकल के आता है सवाल ये कि किसी भी नेटफ्लिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा क्राउडिंग दिन में नहीं आ पाती है। मैक्सिमम यूजर जो होते हैं वो होते हैं 2,000 से 3,000 दिन में। लेकिन वही बात अगर करूं रात का दोस्तों तो रात में होते हैं सारे लोग फ्री और सारे लोग आ जाते हैं देखने के लिए कोई भी एक वेब सीरीज मूवी या फिर सीरियल। ऐसे में निकल के बात आती है ये दोस्तों कि शाम को उनकी क्राउडिंग हो जाती है 10,000 से 15,000 एक एक शहर से उसी नेटफ्लिक्स के बारे में। और दोस्तों ऐसे में आगे अगर सैटरडे या संडे तो वही क्राउडिंग बढ़ के हो जाती है 20,000। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर मैक्सिमम क्राउडिंग कितनी होती थी 20,000 हो रही है, यानी उसको जो सर्वर पे सीपीयू खरीदना पड़ेगा वो कितने का खरीदना पड़ेगा? 20,000 का खरीदना पड़ेगा। क्यों? ताकि 20,000 लोग जब उनके आए नेटफ्लिक्स पे तो वो सर्वर क्रैश ना हो जाए। अब ऐसे में सवाल निकल के आता है ये दोस्तों कि अगर वो 20,000 लोगों का सर्वर सीपीयू के लिए अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो दिन में तो उसे 3,000 लोग आ रहे हैं, यानी दिन की अगर बात करूं तो 17,000 लोगों का पैसा पूरा का पूरा वेस्ट चला जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों कोई भी ऐसी कंपनी, वो अमेज़न इतनी बड़ी ही कंपनी क्यों ना हो, कभी नहीं चाहेगी कि हम सर्वर की सीपीयू को खरीदने में इतनी ज्यादा क्राउडिंग के लिए इतना ज्यादा पैसा करें अपने कंपनी का बर्बाद। क्योंकि अगर एक एज अ बिगिनर अगर करते हैं शुरुआत तो अगर कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन खरीदने के लिए सर्वर के लिए कम से कम रखते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए। अब ऐसे में दोस्तों कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि इतने ज्यादा लोगों का पैसा करें अपने दिन में बर्बाद। तो उसमें फायदा निकल के क्या आया दोस्तों कि एक अलग कम्युनिटी आ गई और वो बोली भाई आपका काम है डेवलपमेंट करना, आप करो अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट का डेवलपमेंट और हम करेंगे आपके सर्वर को मेंटेन। अब जब से वो कंपनी आई दोस्तों वो सर्वर पे हो स्केलिंग या फिर हो डी स्केलिंग सारा का सारा काम हैंडल करती है वही एक थर्ड पार्टी, और इसी थर्ड पार्टी को हम कहते हैं हम और आप दोस्तों सर्वरलेस टीम। आपको समझ में आए क्या होगा दोस्तों कि सर्वरलेस सच में सर्वरलेस नहीं होता बल्कि एक वो थर्ड पार्टी होती है जो करती है हमारे डेवलपर का मदद हमारी कंपनी के सर्वर को मेंटेन करने के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आया होगा आपको बहुत ज्यादा पसंद, और एक डिटेल वीडियो आपके पास लेके आऊंगा इसी सर्वरलेस के बारे में जहां पे बात करूंगा कि कितने तरह के होते हैं ये सर्वरलेस और कौन कौन सी वो कंपनी होती है, कौन कौन से होते हैं वो प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी MNCs को सर्वरलेस का मैकेनिज्म।
अगर नहीं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर अभी तक अपने दोस्तों के साथ, तो फटाफट से कर दो लाइक कमेंट और शेयर, क्योंकि हम रोजाना ऐसे टेक्निकल वीडियोस लेके आपके सामने आते रहते हैं। जय हिंद एंड बाय बाय।